और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित होती जा रही है। किस दुनिया से आए हैं ये लोग यार, ये कहते हैं हम तरक्की करेंगे, लिखवा लो मुझसे, ये कौम इन हालात में रह के तरक्की नहीं करेगी। अपने हमसायों के साथ बना के नहीं रखेंगे, हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? हमने बनानी है, हमारा हमसाया हमारे साथ क्यों नहीं बनाता? हम अपने अंदर कोई ऐसे गट्स पैदा करें ना कि वो हमारे साथ बनाए। कश्मीर हमारे, लेकिन हमारा कौन नहीं है? ये तो कब का निकल चुका है, ठीक है। हर गवर्नमेंट आती है हम कश्मीर फतह करेंगे, हर बंदा हम कश्मीर फतह करेंगे। कश्मीर फतह, कश्मीर हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा होता है हमारे पास होता जी। कश्मीर 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 कुछ भी नहीं है उसके आगे। टर्की से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है इंडिया, तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारे मुसलमान जितनी रियासतें हैं, जितने कंट्रीज हैं, जितने कंट्रियां, यकीन करें ये काबिल कत्ल है। ओ, ये कौम कभी आगे नहीं जाएगी, पूरी दुनिया से मार खाएगी। आई मीन सब्ज पासपोर्ट आपका जहां जहां लेकर जाते हो अगले जूते मारते हैं तुम्हारे मुंह पे। उसकी वजह ये है कि तुम लाए किस चीज। एक बार आप कश्मीरियों से पूछ के तो देखें कि क्या वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं आना भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ। देखें ये तो आपने बात कह दी है ना, भूखे नंगे। मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे अल्फाज नहीं, कश्मीरी के मैं वोट लेने के लिए बस ही कश्मीर हमारा है, अपने काम सवाने कश्मीर हमारा, जब अपना काम खत्म हो जाता कोई कश्मीर नहीं। अगर आइंदा इंतखाबात में मोदी को फिर मुंतखब किया गया तो उस बात का कभी इम्कान है कि मोदी कानून साजी के जरिए भारत को एक हिंदू मुल्क डिक्लेयर कर देगा, एक बार फिर से जो माइनॉरिटीज हैं, अकलियतें हैं, उनके हकूक और जिंदगियों के होने वाले जो कत्लेआम को उरूज भी मिलता उनको नजर आ रहा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हर बार भारत से जूते खाने के बावजूद भी पता नहीं पाकिस्तान और तुर्की को क्या चुल मच जाती है कि हर बार यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और कश्मीर को लेकर बात करते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, उसके बाद में भारत ने जो जवाब दिया है ना उनको, मतलब भूचाल मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो इसी के ऊपर ना पाकिस्तान की पब्लिक का जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है वो काफ़ी मज़ेदार है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क वहाँ आकर इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ हर चीज़ है, हर टेक्नोलॉजी वहाँ मौजूद है। और अगर उन्होंने पाकिस्तान को भी शटअप कॉल दिया, लेकिन मैं इस मामले के ऊपर मैं इंडिया से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि वो हमें भी शटअप कॉल दे, कि वो हमें भी ये कहे। हाँ, वो ज़बानी कलामी अपने मुल्क के, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान को शटअप कॉल दिया है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत चीज़ें हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ हम उनको शटअप कॉल देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर उसने पाकिस्तान को ललकारा है तो ललकारा किसको जाता है? जिसमें पावर होती है, जिसमें ताकत होती है। इसका मतलब यह है कि हम उससे तगड़े हैं, जिसकी वजह से वो हमें ललकार रहा, ब्लफ चला रहा है। हम इंशाल्लाह ताला एक मरतबा फिर जिस तरीके से इंडिया से तगड़े हैं वो कैसे, किसी एक फील्ड में, किसी एक निज़ाम में हमें बता दें भाई। वो तो हमें ये कह रहा है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है, कश्मीर उनका अटूट अंग है। ये बात वो यूएन में सिर्फ हमें नहीं कह रहे, वो ये बात पूरी दुनिया को साबित कर चुके हैं। जिस तरह इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, रिसेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर से होकर आए हैं, 32,000 करोड़ की वहाँ पे उन्होंने जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, 260 प्रोजेक्ट वहाँ पर, डैम्स बन रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलना शुरू हो गई हैं जो जम्मू कश्मीर को दिल्ली, कोलकाता और बॉम्बे के साथ अटैच कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि वो हमें ललकार है? किस बिना पर हमें ललकार है? हमें ऐसा है क्या कि भारत हमें ललकारेगा? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ना अपना नॉलेज ठीक करने की ज़रूरत है जी, बिल्कुल, कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। अगर 1.5 अरब की आबादी है ना, तो उस पूरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, जितना आपने स्टार प्लस देखकर, सोनी टीवी देखकर, इंडियन आइडल देखकर आपने उनकी सारी चीज़ों को मान लिया है, तो आप कहती हैं तो मैं उसको मानता तो नहीं हूँ। चलें कैमरे के सामने, मैं ना तो पाकिस्तान में स्टार प्लस चलता है, ना ही तो पाकिस्तान में आप जो नहीं चलता, पाकिस्तान में ये सारे चैनल्स बैन है, पाकिस्तान में सारे चैनल बैन है। आप सारे चैनल टीवी पे कौन देखता है? टीवी के ऊपर तो इमरान खान का नाम लेना भी बैन है, तो वो चलता नहीं है, कैसे सारी दुनिया को पता? ये सब कुछ जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने की जरूरत है, तो सर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि आज पूरी दुनिया ये बात कह रही है, ठीक है। आप जरा सोशल मीडिया पर जाकर स्टडी करें, सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, आप वहाँ पर जाके देखें कश्मीरी कैसे वहाँ पे जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट किया उन्होंने इस दफ़ा, और कश्मीरी कितना खुश है। एक बार आप कश्मीरियों से पूछ के तो देखें कि क्या वो पाकिस्तान के साथ
साथ आना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं आना भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल ये झूठ है, बकवास। इस वक्त पाकिस्तान को ना जॉबों, हमारी नौजवान आवाम को ना नौकरियों की जरूरत नहीं है। ये इंतहाई इंटेलेक्चुअल जहीन मेहनती लोग हैं। अच्छा। सिर्फ इनको डायरेक्शन चाहिए कि कारोबार करना कैसे है। ये यही लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर दुनिया के हर मुल्क में बिजनेस टाइकून बनते हैं, लेकिन अपने मुल्क में बेचारे 20-25 हज़ार रुपए के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इनको ये सबक पढ़ाया है, बेरोजगारी खत्म करो, नौकरी की तरफ जाओ। भाई नौकरी नौकर क्यों बने, अपना कारोबार करें। जो इस टाइम सूरत आला कश्मीर के लोग हमारे साथ आना चाहेंगे, अभी भी नहीं आना चाहेंगे। जो 40-40 हज़ार रुपए बिल कहाँ से देना है? हाँ, और उन्हें तो, और उन्हें जो बिल आ रहा है वो आपको पता है, वो जो उस साइड पे लोग हैं उन्हें तकरीबन 5-6 रुपए यूनिट उन्हें मिल रहा है, 300-300 रुपए यूनिट उनको फ्री मिल रहा है उनको। ये चीज है, इधर 40-40 हज़ार रुपया बिल दे रहे हैं। अगर छोटा सा घर जो सा 500-600 रुपया बिल देते, आपका कितना आया सच बताइए? हमारा 25 हज़ार बिल आया। और कितना कमरे या कितना घर है, कितने आधे आते का मकान है, यानी ढाई मरले का? हाँ जी, ढाई मरले के घर में 25 हज़ार बिल, 25 हज़ार रुपया बिल। और अभी गर्मी आनी है, गर्मियों में ये तकरीबन 40-50 हज़ार हो जाएगा। लेकिन ये मियाँ साहब आए क्या पता बिल खबरी लेके आएंगे ना, ये सारी खुशखबरी आवाम को मिली है। जैसे जिससे मर्जी पूछ लें, कश्मीर से ज्यादा जुल्म तो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। अंकल जी ये देख लें, ये सारे लोग देख लेते हो। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, गरीब आदमी के साथ। कौन सा गरीब आदमी उठता है पाकिस्तान में? यार ये आपके साथ नासाफी, हम आपके साथ चलेंगे। कौन सा MLA, कौन सा वजीर, कौन सा वजीर आला पंजाब, किसने आज तक गरीब, जब भी उन्होंने आवाज उठाई के उन्होंने अपने साथ वाले की आवाज उठाई। और हम देखें ना, उस साइड कश्मीर पे हम गए हैं, हमें यहाँ का जरूर पता है कि यहाँ पे बिजली के जो बिल हैं और वहाँ पे बिजली के बिल हम गारंटी से कह सकते हैं 5-7 और 8 रुपए के राउंड बोट होंगे, शायद इससे कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे पर यूनिट। और यहाँ पे 60 रुपए 55 रुपए पर यूनिट बिजली का। मैं कल जनाब 16 हज़ार रुपए बड़ी मुश्किल से दे के आया। आप कितनी महीने की कितना कमा लेते हैं? कोई नहीं, 500-700 रुपया रोजाना की बचत दिन का। और उसके साथ क्या कमा, हर सौदा महंगा है, शाम को पता ये लगता है बचे कुछ नहीं है। ठीक हो गया, 700 रुपया ये दिन का कमा रहे हैं, 16 हज़ार सिर्फ बिल दे के आया एक महीने का। इसके अलावा खर्चे लेता, बच्चों की फीसें लेता, मकान का किराया लेता, पढ़ाई के लेता, अपने खर्चे लेता। ठीक हो गया, जो सी गवर्नमेंट आती है हम गरीबों के लिए करेंगे, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए आते हैं। ठीक हो गया, हमारे लिए नहीं आते। आपकी 50 साल उम्र हो गई है, आपने भी 50 साल से कश्मीर सुना। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं भाई क्या ना कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहोगे? कश्मीर का भाई जन यही साहब है की हमारे साथ जो है ना मैनिपुलेटिव गवर्नमेंट का कोई भी हिसाब नहीं है, जो भी आ रहा शुरू से कश्मीर को ऐसे मजाक ही ले रहे हैं, नारा लगा दिया बस बात खत्म। ठीक हो गया, हमारा अपना वो मजाक बन रहा है और अब पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ वोट लेने के लिए बस ही कश्मीर हमारा है, अपने काम सवाल कश्मीर हमारा, जब अपना काम खत्म हो जाता कोई कश्मीर नहीं, कोई लेना नहीं कोई देना। मैं कहता हूँ हमारे पास कश्मीर अब ऑलरेडी है, कुछ हिस्सा है हमारे पास, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बात तो कुछ ये भी नहीं कर रहे वहाँ पे हम। मेरा हमेशा ये मौका रहा है कि भाई जिसको कश्मीर से बहुत प्यार है, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हमारे अदारे हैं, चाहे हमारी पब्लिक है, एक दफा अपने साइड कश्मीर पे जाके विजिट करके देख ले, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने 76 साल में उनसे कितना प्यार किया, हमने कितनी डेवलपमेंट दी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और यहाँ पर जो वीडियो के अंदर आपने जो चर्चा सुनी है, पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन आपने देखा है। दरअसल यहाँ पर अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है ना एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और वही जो पुराना राग है वो अलापना शुरू कर दिया। उसके बाद भारत की तरफ से जो पाकिस्तान और तुर्की को जवाब दिया गया ना, उनको उनकी लिमिट बताई गई कि तुम्हारी लिमिट कितनी है उसी लिमिट में तुम रहो। और साथ साथ में भारत ने जो है ना पाकिस्तान को ये भी वार्निंग दे दी कि भैया आप POK खाली करने का समय भी नज़दीक आ चुका है। इसी के ऊपर आपने पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा है और पाकिस्तानी बेचारे जनता कितनी ज़्यादा परेशान है, पाकिस्तान के हालात कितने ज़्यादा ख़राब है महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा है। बेचारे यही कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा छोड़ दो, जब चुनाव आते हैं तब इनको कश्मीर का मुद्दा दिखाई देता है, बाकी ये कर तो कुछ सकते नहीं है भारत के सामने, लेकिन जनता का वोट लेने के लिए और फंड लेने के लिए ये जो है ना कश्मीर करते रहते हैं। तो आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।